चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। It is said, hard times are the testing times, and lockdown was the hardest time for any individual, company and country. But only those with hard determination makes it easy. IFMC's team is a perfect blend of dedication and hard work, where each and every team member came forward to help their student to learn during lockdown. The faculties, admin team, IT team, sales team, marketing team and trade partners all held their hands with each other and took the teaching and services to all new level, so that learning continues at IFMC even during lockdown, thus making IFMC a truly global Indian brand in stock market education. IFMC thanks all its team members for dedicated services during lockdown. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को, IFMC टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अभी एक क्लिपिंग भी देखी है जिसमें पूरे लॉकडाउन के दौरान हमारी पूरी टीम ने बहुत ऑनेस्टी के साथ काम किया और बहुत अच्छी सर्विसेज लॉकडाउन के दौरान सारे स्टूडेंट्स को और सारे क्लाइंट्स को मिली है। और इवन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ टीम, एक IT टीम और सर्विसेज टीम में तो 9-9 रात को 9-9 बजे तक उन लोगों ने कस्टमर सर्विसेज में काम किया है। तो थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम सबको बताया, देखो लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म होने के उस पे है। कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, वो बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में नहीं रह सकती। ह्यूमन बींग्स का एक बहुत अच्छा नेचर है कि हम लोग बहुत जल्दी चीजों को भूलने लगते हैं और पुरानी चीजों को हम लोग जल्दी से जल्दी अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं। शायद कोविड भी एक ऐसा ही बुरा सपना है जिसको हम सारे हिंदुस्तानी अपने दिमाग से अब निकालना चाहते हैं। हमारे घर में कोई भी बड़ी से बड़ी मिसहैपनिंग भी हो जाती है तो भी हम 13-14-15 दिन या महीने भर के अंदर उस चीज को भुला के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव थॉट है। इसी को बढ़ाते हुए जो कोविड का एक बहुत बड़ा ठेस पूरे हिंदुस्तान को लगी है, वो उसको भुलाने के लिए, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे को उस दिशा में सोचना पड़ेगा। हम एक चीज से रुक नहीं सकते, आज नहीं तो 10 दिन के बाद लॉकडाउन तो खुलना ही है और हम सबको अब कोविड के साथ ही जीना है। और कोविड के साथ जीने के लिए हमको एक अलग लाइफस्टाइल अपनाना होगा। हर व्यवसाय अलग ढंग से चलेगा। शायद ये कोविड हमारे साथ अगले 1 साल 1.5 साल या 2 साल रहे और हो सकता है और ज्यादा टाइम के लिए रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमको काम रोक देने हैं, काम चलेंगे, डिफरेंट अंदाज से चलेंगे। रेस्टोरेंट्स अलग अंदाज से चलेंगे, फैक्ट्रीज अलग अंदाज से चलेंगी, दुकानें अलग अंदाज से चलेंगे, इंस्टीट्यूट अलग अंदाज से चलेंगे, लेकिन चलेगा सब कुछ। तो दोस्तों, फाइनली हमको अपने अपने काम पे लौटना है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग वापस अपने इंस्टीट्यूट्स में लौटेंगे और काम करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट होगा। IFMC ने लॉकडाउन के दौरान अपना ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ाया है। ग्लोबली मैंने पहले भी बोला, 171 कंट्रीज से ऊपर जो हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमको देख रहे हैं। इवन हमारी टीम ने उनको उनकी टाइम जोन के हिसाब से उनको सर्विसेज दिया। तो फाइनली थैंक यू टीम IFMC, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ, तैयारी अगले सप्ताह की, जिसके अंदर हम नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे, अपने व्यू को बनाएंगे कि नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा लास्ट वीक पूरा मार्केट डाउन रहा। कुछ न्यूज भी जितने भी आई हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। US और चाइना के बीच एक टेंशन लगातार चली हुई है, कोविड के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक इस दौरान डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एक अच्छी खबर आई जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। हालांकि उसका बहुत ज्यादा मार्केट ने स्वागत नहीं किया, मार्केट ने उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा सप्लाई साइड पे है और इसमें डिमांड को बढ़ाने का कोई ज्यादा काम नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूं ये अभी बहुत बहुत छोटा टाइम है इसको जज करने के लिए।
क्योंकि ये बहुत बड़ा पैकेज है और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बड़ा आएगा। और इस समय जो गवर्नमेंट है वो कोशिश ये कर रही है कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई से ही पूरा हो। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमें अभी जब पता है अगले एक दो साल के अंदर ट्रैवलिंग्स बंद है, इवन इंटरस्टेट ट्रैवलिंग भी बंद है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल की तो हम अभी बात ही छोड़ दें। तो इस समय डोमेस्टिक सप्लाई और डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ ध्यान होगा और इंडिया अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है कि हम जो भी चीजें बाहर से लाते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो गए, टेलीविजन हो गए, या इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो हम सामान चाइना से या बाहर से आता था, अब हम कोशिश करेंगे कि वो इंडिया में ही बने और हमारे जितने भी लेबरर्स हैं उन सबको एक अच्छी इनकम जो है, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिल पाए। तो दोस्तों ये प्रयास ही रहेगा गवर्नमेंट का। और कोविड ऑलमोस्ट अब ये साथ साथ चलेगा, कोविड के नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं, जो मुझे लगता है क्योंकि अभी पलायन चल रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इंटरस्टेट ट्रैवलर्स हो रहे हैं, तो अभी ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन अब हमको ये पता है कि हमको इसके साथ जीना है, तो लाइफ तो चलेगी और हमको भी चलना है। तो फाइनली अब हम लोग भी, जो मैं पिछले 3-4 वीक से लगातार आपको ये कहते आया हूं कि अभी हम कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को कंसिडर नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना और कोरोना के जो फैक्टर्स थे वो ही जितने भी इकोनॉमिक इवेंट थे उनको ओवर शैडो कर रहा है। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट के लिए अब हम लोग सब तैयार हो चुके हैं और इसके लिए हमको पता है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। तो अब हमको इकोनॉमिक जो भी फोरकास्ट हैं, जो इकोनॉमिक कैलेंडर्स हैं, उनके ऊपर हम वापस जाएंगे, जो हम पिछले 4 हफ्तों से नहीं जा रहे थे। तो तैयारी अगले सप्ताह को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो कुछ होना था उसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। 12,500 से इंडेक्स जो है वो घट के 9,000 आ गया है, ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है, उसने कोविड को अभी तक जो डिस्काउंट करना था वो कर लिया है। अब जैसे जैसे मार्केट की न्यूज आती रहेगी, जैसे जैसे कंपनीज की परफॉर्मेंस आएगी, जैसे जैसे सेक्टर वाइज जो मूवमेंट आएंगी उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। जो मैं पिछले लगातार 2 हफ्तों से बोल रहा हूं कि हमको बहुत ज्यादा मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है लॉन्ग टर्म, हमें छोटी प्रिडिक्शंस लेनी है, 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 5 दिन की, जो हम कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रिडिक्शन अभी भी हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम इस समय कौन से स्टॉक्स को लें, और मैं बार बार बोलता हूं कि इस समय केवल आपको डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ रहना चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स के अच्छे जो कंपनीज हैं उनको आप सिलेक्ट करें। इसके अलावा FMCG जो लगातार यूज होना है, तो आप ये 2 सेक्टर ऐसे हैं इनको बेसिकली हम डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं। इसके लिए मैं एक आपको इंट्राडे, हमारा जो UDTS इंट्राडे स्क्रीनर है इसकी तरफ भी लेके चलता हूं। UDTS इंट्राडे स्क्रीनर से भी हमको सेक्टर को छांटने में भी बहुत हेल्प मिलती है। आप अगर देखें, मैंने ये UDTS इंट्राडे स्क्रीनर खोला हुआ है, इसके अंदर मैं केवल अभी अप स्टॉक्स को देख रहा हूं कि ऐसे गिरे हुए मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर हैं, तो एक जर्नल व्यू में डालता हूं जिनका, जैसे अडानी ग्रीन्स, APL लिमिटेड, हिंद जिंक, इंडोस्टार, एस्कॉट, हीरो मोटो। तो बेसिकली अभी तक आपने इसमें देखा कि अडानी ग्रीन सोलर से रिलेटेड है, और हिंदुस्तान जिंक जो है ये हमारा मेटल से रिलेटेड है, इंडोस्टार NBFCs हैं, एस्कॉट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हीरो मोटो भी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जो खपत है वो गांव में विलेजेस वगैरह में होती है, तो हीरो मोटो भी एक अप ट्रेंड में दिखा रहा है इस समय, पराग मिल्क, उसके बाद अजंता फार्मा, अरविंदो फार्मा, कैडला, ग्लेनमार्क, लूपिन। आप देख रहे हैं कि लगातार 5 स्टॉक्स हमको देखने को मिले जो बुलिश ट्रेंड के हैं। इसका मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सेक्टर फार्मा सेक्टर है। तो फार्मा सेक्टर और जो जैसे हमारा FMCG सेक्टर है, तो ये बेसिकली वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम डिफेंसिव रोल प्ले कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हमें कोई दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज एक साइट और बताने जा रहा हूं, ये गवर्नमेंट की साइट है, आप लोग इस साइट को नोट कर सकते हैं, IBEF, इंडिया
ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये बेसिकली जो साइट है ये आपको बहुत कुछ बढ़िया चीजें बताती हैं। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, एक बार इस साइट को सर्व करें। और इसमें बहुत, अब जैसे इंडस्ट्री आ रही है, मैं बता देता हूं आपको, आप इंडस्ट्री पे गए, इंडस्ट्री में यहां पर सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अब अगर मान लो हमको पता है कि एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर, और फार्मा सेक्टर में मेरे को कुछ अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो बशर्ते कि हम किसी और साइट पे जाएं, तो हम ऐसी साइट्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं भी इसी साइट को ज्यादा देखता हूं। इसके अंदर हम फार्मा सेक्टर में चले जाते हैं, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंज्यूमर, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, फार्मा। अब अगर मुझे फार्मा सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है तो मैं फार्मा को क्लिक करूंगा। यहां इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये नीचे शो केस आता है, आप इस शो केस में अगर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नीचे स्टॉक्स दिखेंगे, जिसमें सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, ये टॉप स्टॉक्स आ रहे हैं जो इस इंडस्ट्री के हैं, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आप एक सेक्टर में कौन सी स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, तो बेसिकली आप सेक्टर वाइज स्टॉक्स को चूज करने में ये साइट आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों 18 मई से लेके 24 मई तक क्या कुछ होने वाला है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। निफ्टी 9136 पे बंद हुई है, ऑलमोस्ट 220 पॉइंट डाउन बंद हुई है। पूरे वीक मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं मिली। एक ही दिन जब गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का, उसके अगले दिन मार्केट काफी तेज खुला, लेकिन अगेन वो तेजी बरकरार नहीं रह पाई और मार्केट ने जो है वो सारी तेजी एक ही दिन में अपनी खत्म कर दी, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रूड जो है 2054 पर बंद हुआ, करीब 210 पॉइंट ऊपर, जो वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबली एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शन करी थी उसके अंदर हमने बेयरिश बट रेंज बाउंड हमारी प्रेडिक्शन थी। फोकस था हमारा यूएस चाइना ट्रेड टेंशन पर, कोविड नंबर्स पर और रीस्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमीज के ऊपर। इसके अलावा शॉर्ट टर्म हम बेयरिश थे, पोजिशनल टर्म हम बेयरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल भी हम बेयरिश थे। तो चलिए दोस्तों हम इसको चार्ट पे देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये कैंडल चार्ट है, डेली कैंडल चार्ट, और ये सारे लेवल्स आपको पहले से नोटेड है। 7735 जो मेजर सपोर्ट है, 9348 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 9533 का था लास्ट वीक का, और हमारा मंथली जो रेजिस्टेंस था वो 11,396 रुपए। तो बेसिकली मार्केट जो है ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, आप देख रहे हो मंडे को मार्केट हमारे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो था 9348 यही खुली और उसके नीचे बंद हुई। अगले दिन फिर से रेजिस्टेंस के नीचे ही थी, और उसके बाद जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो पैकेज आया उसमें मार्केट एकदम गैप अप ओपनिंग हुई और हमारे 9533 के ऊपर मार्केट खुला, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट अपने अगले लेवल 9348 के पास आके बंद हुआ और अगले दिन फिर से रेजिस्टेंस के नीचे। तो ओवरऑल मार्केट हमारे लेवल्स के नीचे रही, और जो हमारा कहना था कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर मार्केट बेरिश रही। तो चलिए अब नेक्स्ट जो वीक में क्या कुछ इवेंट्स आने वाले हैं उनको देखते हैं और फिर चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों फोर्थ कमिंग इवेंट्स में हम देखते हैं ट्यूसडे को बिल्डिंग परमिट का जो डाटा है यूएसए का, ये आएगा, जिसके ऊपर हमारी निगाह रहेगी। इसके अलावा चाइना में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है ट्यूसडे को, ये दोनों चीजें ट्यूसडे को हैं। वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आएगी और इसके साथ साथ एफओएमसी की मीट है। तो वेडनेसडे हमको ये दो इवेंट का के ऊपर निगाह रखनी है। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और होम सेल्स, ये दोनों यूएस के डाटा है जो थर्सडे को आएंगे। तो बेसिकली ग्लोबल इवेंट्स ये तीन है हमारे पास, तीन दिन ये ग्लोबल इवेंट है, और डोमेस्टिकली इंडिया में हमारे पास कोई इकोनॉमिक इवेंट अभी नहीं है।
केवल जो अभी पैकेज दिया है उसी के ऊपर अभी बहुत सारा डिस्कशन चलेगा और उससे ये देखा जाएगा कि अब उसका कितना असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन से पहले आप सबसे पहले नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर सेल में है जिसका रेजिस्टेंस है 9182, वीकली के ऊपर भी सेल में है जिसका रेजिस्टेंस है 9354 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी रेजिस्टेंस है 11387। तो इस बार फिर से इस वीक में मार्केट निफ्टी जो है वो मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर बेरिश ट्रेंड में है। तो अब हम चलते हैं, इसको चार्ट्स पे देखते हैं और कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास डेली चार्ट है और मैंने जो अभी आपको लेवल्स लिखवाए हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 9182, जो मैंने आपको डेली रेजिस्टेंस लिखवाया। वीकली रेजिस्टेंस 9354, ये जो रेड लाइन दो आपको नजर आ रही है ये डेली और वीकली है और ऊपर सबसे 11387 का मंथली रेजिस्टेंस है। मार्केट जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 9136, यानी कि 9136 पे मार्केट बंद हुआ है और हमारे 9182 के रेजिस्टेंस के नीचे। अब 9136 जो जहां मार्केट चल रहा है, जो फ्राइडे को बंद हुआ है, वो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में दिख रहा है, जिसके अंदर हमको दिख रहा है कि सारी फोर्सेस मार्केट को नीचे की तरफ ही धकेल रहे हैं। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो मार्केट बेरिश ही रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं और दो लेवल्स हमारे पास हैं, दो रेजिस्टेंस लेवल्स 9182 और 9354 जो बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखें, अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज बनती है तो ही शायद ये लेवल्स कटने के उसमें जाएंगे और अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आता है तो आपको फर्दर सेलिंग के ट्रेड्स नहीं करने हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि 9354 यानी कि 9354 और 11387 के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो मार्केट के लिए इस यहाँ पर कोई बहुत बड़े रेजिस्टेंस नहीं है, तो हो सकता है कि कोई मेजर न्यूज मार्केट को टेम्पररी तौर के लिए भी या टेम्पररी बेसिस के ऊपर एकदम झटके से तेजी से ऊपर लेके जाए। तो ऐसे में आपको जो अगर आपने सेलिंग करी है, ब्लैंक सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग करी है, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने पड़ सकते हैं। तो बहुत संभल के करें और इन रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग ना करें। अगर आपको सेलिंग करनी है तो इन रेजिस्टेंस के नीचे ही करें और डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करें। तो फाइनली नेक्स्ट वीक हमारा जो ध्यान रहेगा कोविड के नंबर्स पे तो जरूर रहेगा, इसके साथ साथ हमारा रिकवरी रेट के ऊपर भी ध्यान रहेगा जो लगातार इंप्रूव हो रहा है। पहले 30% था, वो करीब 35% हुआ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज हम देखेंगे इसमें, अगर रिकवरी रेट कोविड का और बेटर होता है। इसके अलावा नंबर्स पे हमारा ध्यान है, यूएस और चाइना का जो ट्रेड टेंशन है इसके ऊपर पूरा वीक हमारा ध्यान रहेगा और ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी हलचल नहीं लगती है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो बेयरिश रहेगा। तो जब भी ट्रेड करें कोशिश करें रेजिस्टेंस के पास सेल करें और फिर बाय करें। बाय पहले बाय और सेल ना करें, अभी सेलर्स मार्केट है तो ऐसे में पहले सेल करके बाय करें, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब मार्केट बुलिश मार्केट होती है, जब तेजी की मार्केट होती है, उस समय हमारा ध्यान होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पहले बाय करें और फिर सेल करें। लेकिन जब रिवर्स मार्केट होती है, जब बेरिश मार्केट होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम चार ट्रेड ले रहे हैं तो चार ट्रेड में से तीन ट्रेड हम सेल करके चलें और एक ट्रेड हम बाय करके चलें। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनको आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1x1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स।
क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।